trees are humming in between the contrasts of our souls. Oh, 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 मैंने यहाँ पर गाड़ी को रिफ्यूल करा लिया है, अराउंड 24 लीटर पेट्रोल डाला है और पेट्रोल का प्राइस चल रहा है यहाँ पर आइसलैंड में अभी 258 आइसलैंडिक क्रोना फॉर 1 लीटर, मतलब इंडियन रुपीज़ में अराउंड 150 रुपये के आसपास 1 लीटर। तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है अभी का जो प्राइस चल रहा है इंडिया में पेट्रोल के, उसके कंपेरिजन में। आ गए हम लोग हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन फॉर टुडे, और उस जगह का नाम है ये लिखा है रेयिनसफ्यारा। मैं लिख भी दूंगी ये चीज़, ये जगह क्या है उसको जानने के लिए आपको चलना होगा, मतलब हमारे साथ। हम वॉक कर रहे हैं और फिर दिखाते हैं कि हम आए कहाँ पर हैं। यू विल लव इट। तो हम लोग आ गए हैं आइसलैंड के ब्लैक सैंड बीच, और ये है आइसलैंड का द मोस्ट सीनिक बीच और डेंजरस बीच भी। You look at that, and even this side. इस बीच पे ये ब्लैक पेबल्स हैं। See this pebbles? How nice they are. बिल्कुल एग्जैक्टली पेबल्स की शेप पे। और इसे ब्लैक सैंड बीच क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ है ब्लैक सैंड। मैंने आपको दिखाया था स्पेन में भी, बट स्पेन में क्या किया था, सारा डेजर्ट ला ला के मिक्स कर दिया था, बट यहाँ नहीं है। दिस इज लाइक रियली ब्लैक। और ये ब्लैक सैंड क्यों है? क्योंकि ये जो बीच बना है, ये बना है जिसे अभी आपको वॉल्केनो इरप्ट होते दिखाया था तो कैसे लावा आ रहा था, उसी के कारण। क्योंकि ये जो आइलैंड है ये वॉल्केनो से बना है, इसलिए इसका लावा के कारण पूरा जो कलर है वो ब्लैक है। सी हाउ ब्लैक इट इज। जैसे आपने हमारे पुराने वीडियोस में एक्टिव वॉल्केनो देखा है, वैसे ही आइसलैंड में अराउंड 130 वॉल्केनोज हैं एंड कुछ अभी भी एक्टिव हो सकते हैं। इस वॉल्केनो के ब्लैक एशेस से ही ये ब्लैक सैंड बीच बनते हैं। जब मोल्टन हॉट लावा सी वाटर से मिलता है तो वो लावा जल्दी कूल डाउन हो जाता है एंड वेव से टकरा के सैंड बन जाता है। आइसलैंड में बहुत सारे ब्लैक सैंड बीचेस हैं, और ये बीच जो हम आज घूमने आए थे वो वन ऑफ द बेस्ट बीच है, नॉट ओनली इन आइसलैंड बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। रेयिनसफ्यारा, शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं इस बीच को। ये एक लार्ज वॉल्केनो जिसका नाम है कताना, उसके इरप्शन से बना है। ये वॉल्केनो अभी भी एक्टिव है एंड एक्चुअली कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है।
ये बीच अपने डिस्टिंक्टिव आइसलैंडिक ब्लैक सैंड, इनॉर्मस कॉलम्स ऑफ बसाल्ट एंड मासिव वेव्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के रॉक फॉर्मेशंस बिल्कुल यूनिक हैं एंड गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ एपिसोड की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है। हाँ, यहाँ आप सन बाथिंग नहीं कर सकते हैं, दिस बीच इज नॉट फॉर दैट। बीच पर आते ही सबसे पहले ये जायंट बसाल्ट रॉक माउंटेन दिखता है। ये रॉक्स वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं जो बसाल्टिक लावा के बहुत जल्दी कूल होने के कारण ऐसा शेप ले लेते हैं। ये माउंटेन 340 मीटर टॉल है एंड हेक्सागोनल शेप के ये बसाल्ट कॉलम्स इज अ ट्रीट टू सी। समर पीरियड में इन माउंटेन्स पर फेमस बर्ड्स पफिन आते हैं। यहाँ आपको बहुत ही जायंट केव भी दिखेगी एंड ये भी पूरी बेसाल्टिक रॉक से बनी हुई हैं। ये रॉक एंड केव्स आर डेफिनेटली नॉट टू बी मिस्ड। इस बीच पर जो यूनिक लैंडस्केप है वो इस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत ही मेमोरेबल बना देते हैं। इस बीच पर आपको दूर से ये रॉकी स्टैक्स सी में दिखेंगे। इस सी स्टैक्स को बोलते हैं राइनस्ट्रागर। ये अप्रॉक्सीमेटली 66 मीटर टॉल हैं। वैसे तो बहुत सारे लोकल स्टोरीज हैं इन फॉर्मेशंस के बारे में, बट जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि बसाल्ट सी स्टैक्स माउंटेन के ही पार्ट थे, बट ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ इरोजन कॉज्ड बाय रेनी वेदर एंड पावरफुल ओशियन वेव्स ये रॉक फॉर्मेशन माउंटेन से टूटकर सी में आ गए। एंड इस माउंटेन को जब हमने ड्रोन से कवर किया देन वी सॉ कि जो दो रॉक्स दिखते हैं वो एक्चुअली 5 रॉक्स हैं। ब्लैक सैंड बीच के साथ जब ओशन के वाइट कैप्ड वेव्स यहाँ आप देखते हैं तब आपको ऐसा फील होता है जैसे आप किसी दूसरे प्लैनेट पर हो। सनराइज एंड सनसेट के वक्त स्पेशली ये बीच बहुत ही मैजिकल हो जाता है। ये बीच जितना यूनिक एंड ब्यूटीफुल है उतना ही डेंजरस भी है एंड इस बीच पर यहाँ के स्नीकर वेव्स से बहुत ही संभल के रहना होता है। इस बीच पर कोई भी लाइफ गार्ड नहीं है सो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ के वेव्स बहुत ही स्ट्रांग हैं। इवन ऑन अ क्वाइट डे कभी भी कोई वेव आ सकती है एंड अगर कोई केयरफुल नहीं है या बहुत क्लोज है सी के तो वेव्स उसको या तो गिरा देती है या फिर अपने साथ पुल कर लेती है। हाँ, अगर आप गिर जाते हैं तो भी ड्यू टू कोल्ड वाटर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप यहाँ आते हैं तो कम से कम 30 मीटर्स की डिस्टेंस बना के रखें एंड एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि बहुत पास जाकर कोई सेल्फी या वेव्स के साथ कोई कूल पिक नहीं ट्राई करें। वैसे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा विजिलेंट रहने की बात है और चेक करते रहें कि वेदर कैसा है। ज़्यादा विंडी या रेनी तो नहीं है,
अगर है तो बीच से को दूर से ही इंजॉय करें. देन एवरीथिंग विल बी गुड एंड परफेक्ट. अब बात करते हैं कि आप ब्लैक सैंड बीच पहुंच कैसे सकते हैं. ये बीच आइसलैंड के साउथ कोस्ट पर है. रेक्यावेक से अराउंड 190 किलोमीटर दूर है एंड 2 hours 30 minutes पे आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं. अगर आप रिंग रोड ट्रिप कर रहे हैं तो आप इस बीच पर आराम से आ सकते हैं. इसका GPS एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है. अगर आप सनराइज एंड सनसेट दोनों टाइम पर यहाँ आना चाहते हैं तो आप पास में ही एक विलेज है जिसका नाम है विक, वहाँ ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं और इस बीच को इन्जॉय कर सकते हैं. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ आना चाहते हैं तो आप रेकियाविक से विक के लिए बस चलती है, उसको पकड़ सकते हैं और फिर विक से लोकल टैक्सी कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप साउथ कोस्ट आइलैंड की जो टूर्स होते हैं उसको बुक कर सकते हैं. डार्क हो गया है और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3-4 hours यहाँ बैठ के इंजॉय किया है और अमेजिंग प्लेस है, आप ज़रूर आइएगा. आपको कैसा लगा ये वीडियो? सौरभ ने ड्रोन शॉट्स लिए, बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स लिए. कैसे लगे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में. और हमारे दोस्तों के चैनल देसी कपल ऑन द गो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा. और आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी ये ट्रैवल सीरीज कैसी लग रही है. Yeah, say bye. Say bye. 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 See bye. You next video. See you next. Bye. Bye.